अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनम इम्तियाज और आप देख रहे हैं एन टेलीविज़न न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लैया कैंपस में। जैसा कि 2021 सेशन का आगाज़ हो चुका है, मेरे साथ मौजूद हैं एक मैम, इनसे बात करते हैं प्रोग्राम्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं जी? आप यहाँ पर क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं? यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन ऑफिस में होती हूँ और हमारी जो ड्यूटी है वो एडमिशन के हवाले से है, और अभी जो है वो एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। जैसे आप जिस सिलसिले में आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कल जो है वो हमारे एडमिशन्स का प्रॉपर जो है वो आगाज़ हुआ है और हम यहाँ पर एडमिशन्स के हवाले से हैं। और जी, आप एडमिशन के सारे मामलात आप देख रही हैं? मैं भी यहाँ पे एडमिशन्स के हवाले से हूँ, और एडमिशन के हवाले से हमारा एक पूरा पैनल होता है जो एडमिशन्स जो है वो कर रहे होते हैं। उसमें सिर्फ एक मैं नहीं होती, उसमें हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो मिल के जो है वो एडमिशन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या पेरेंट्स आते हैं उन्हें हम गाइड करने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं हर टाइम, और उनकी बेहतर उनको जो है वो गाइडलाइन देते हैं उनके सब्जेक्ट्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कि उन्हें कौन से प्रोग्राम में कितने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं। जी, एडमिशन के हवाले से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो एडमिशन्स का आगाज़ हुआ है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे यहाँ जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। 42 जो प्रोविंस हैं वहाँ से हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है हमें। और इस हवाले से ये है कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर है, क्योंकि लोग इसको इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छी डॉक्टर्स फैकल्टी मौजूद है और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ यहाँ पे बहुत हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे सब मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं। और एक ये बहुत अच्छा जो है वो अलबास भट्टी ट्रस्ट ने जो है ये इदारा कायम किया है कि एक बहुत बैकवर्ड इलाके में बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिससे जो है वो बैकवर्ड एरिया के लोगों को भी बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है। और इसी तरह से जो हमारा अपर पंजाब है या बाकी जितने भी हमारे बड़े शहर हैं वहाँ से भी हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इसीलिए यहाँ पर आते हैं। जी, अगर टेक्निकल प्रोग्राम की बात की जाए तो आपका इदारा जो है वो क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है? जी हमारे पास जो हैं वो ओवरऑल, वैसे हमारे पास 29 प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं बच्चों के लिए। उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ के भी डिपार्टमेंट है, उसमें सिविल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हम करवा रहे हैं बच्चों को, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है उस हवाले से भी हमें मिल रहा है। जी, कंप्यूटर लैब आपने किस लेवल की सेट की हुई है यहाँ पर? यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर लैब्स हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमारा, एक बहुत हाईली क्वालिफाइड जो हैं वो टीचर्स वहाँ पे जो हैं वो काम कर रहे हैं, असिस्टेंट्स हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से हमने जितना भी इक्विपमेंट्स जो हैं वो ला सकते हैं वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, आप विज़िट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लाइब्रेरी भी है माशाल्लाह हाईली, उसमें जो है वो बुक्स जो है हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी हैं बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए। वहाँ पे भी जो कंप्यूटर जो हैं वो बच्चों की सहूलत के लिए रखे हुए हैं कि वो बेहतर तरीके से जो है वहाँ पे बैठकर अपनी स्टडी कर सकें या जितना नॉलेज वो अवेल कर सकते हैं वो अवेल कर सकें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैम ज़रीन, आइए उनसे प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन सेल को डील कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं एडमिशन सेल को डील कर रही हूँ एज अ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और मेरा जो स्टार्टिंग थी वो 2012 में हुई थी, तो माशाल्लाह आज 2021 हो चुका है और एडमिशन का स्टार्ट हो चुका है। जी, कितने प्रोग्राम्स दे रहे हैं आप यहाँ पर? हमारे टोटल 29 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बीएस और मास्टर प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं। जी, आप टीचिंग भी करती हैं या सिर्फ़ आप जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक मतलब महदूद हैं? मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रही हूँ, और जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो फर्स्ट जो मेरी जॉइनिंग थी वो इसी ऑफिस में थी, और मैं साथ साथ एडमिन को भी देख रही हूँ। जी जी, न्यू एडमिशन्स का जो आगाज़ है वो कब से हो रहा है?
न्यू एडमिशन हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, ये बताइएगा कि अब तक कितने एडमिशन्स हो चुके हैं? एडमिशन की रिगार्ड हमारा कल से ही स्टार्ट हुआ है तो उस हवाले से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो लेट्स सी, अभी तो आगाज़ है, अब देखते हैं। हमारी जो लास्ट डेट है अभी अनाउंस होनी है, तो इंशाल्लाह जैसे अनाउंस होगी तो उस हवाले से हम कंफर्म इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जी मैम, नाज़रीन को जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लैया कैंपस के इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी, इन्वायरमेंट के हवाले से हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ स्टडी के रिगार्ड जो HEC की रिक्वायरमेंट्स के हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फैकल्टी हायर की हुई है, जिसमें डॉक्टर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैब वगैरह प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं जिससे उनका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और उसके साथ साथ हमने अपना जो लाइब्रेरी सेट की हुई है उसमें भी जो स्टूडेंट्स को अपना बुक्स या जो मटीरियल चाहिए होता है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्यूटर लैब्स हैं तो इस हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और इसके जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के रिगार्ड भी हमारी अपना एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमारे कैमराज हैं और मुख्तलिफ टीचर्स हर हवाले से बच्चों का जो है उसके क्या कह सकते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस हवाले से। जी, इस वक्त मैं कैंपस में ही मौजूद हूँ लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, फिट फाट। आप सुनाएं जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं कोट सुल्तान से आया हूँ। आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं? ऑलरेडी मेरा एडमिशन है BCOM IT में। जी जी, आपको जीसी का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इन्वायरमेंट है। आने वाले स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि ये जनूबी पंजाब का वह इदारा है जो बहुत अच्छा माहौल देता है, उस्ताद भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा माहौल मिलता है और टीचर्स दूसरे शहर से आते हैं, अच्छी पढ़ाई है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मैं आने वाले स्टूडेंट को यही मशवरा दूंगा कि यही ज़िला लैया में जीसी फैसलाबाद लैया कैंपस में एडमिशन लें, फ्री ट्रांसपोर्ट है और भी बहुत अच्छा माहौल है इन्वायरमेंट के हवाले से। जी, एडमिशन लेते हुए आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एनवायरनमेंट है, कोई शिकायत नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कहाँ से आए हैं आप? जी हम जमन शाह से हैं, करीब का शहर है जमन शाह। जी आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं? BS फिजिक्स। जी आपको एडमिशन लेते हुए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, आसानियाँ हैं सर। जी आप मतलब के जिसी के एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है, यहाँ से पहले भी मेरा भाई करके गया है ऑलरेडी, जी इसलिए हम भी इसी जगह एडमिशन ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से आए हैं आप? हम कोट सुल्तान से हैं। जी आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं? मैं BCOM IT में एडमिशन ले रहा हूँ। जी आपको जिसी का एनवायरनमेंट कैसा लगा? जीसी का एनवायरनमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के साथ भी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा माहौल देते हैं और यहाँ के आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इधर आएँ, यहाँ दाखिल लें, असाज़ा भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, भाई जीसी यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। स्टाफ कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? जी हाँ, स्टाफ भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे जो चेयरमैन है, हमारे कोई स्टूडेंट को भी कोई मसला पेश आता है और चेयरमैन उसे अच्छे तरीके से वो मसला हल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं इधर लैया से हूँ। जी आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं? मैं BS फिजिक्स। जी आपको जिसका एनवायरनमेंट कैसा लगता है? जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए जनूबी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इधर बैकवर्ड एरिया में जीसी मतलब का कैंपस बना है, जीसी का जिस फैसलाबाद का, और यहाँ के स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटी का उनका एक ख्वाब था लेकिन जीसी ने उनका एक ख्वाब मतलब पूरा किया है और तकरीबन इसको 2012 में मतलब जीसी स्टार्ट हुई थी, इधर एडमिशन स्टार्ट हुए थे, अब 2021 हो गया है और कितने हज़ारों में स्टूडेंट यहाँ से डिग्रियाँ करके गए हैं और उनका ये एक ख्वाब था मास्टर लेवल का वो पूरा हो गया उनका जीसी की वजह से। जी स्टाफ आपके साथ तामुन कर रहा है? जी स्टाफ बहुत अच्छा है और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, मोस्टली यहाँ के टीचर अब पहले मतलब MPhil होते थे, अब PhD तकरीबन हर डिपार्टमेंट में 5 से 7
PhD आ गए हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, स्टडी के हवाले से प्रैक्टिकल सारा कुछ करवा रहे हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का। जी, एडमिशन लेते हुए आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और जो इन्फो ऑफिस है यहाँ, मतलब वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। इस हवाले से यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एक मतलब ना रोल इस इलाके के स्टूडेंट के लिए एक प्ले हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है एडमिशन के स्टाफ से और स्टूडेंट से बातचीत की है, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, जिसी के हवाले से वो बोल रहे हैं कि स्टाफ बहुत अच्छा है, हाई क्वालिफाइड है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन लेते हुए किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू सेशन के जो एडमिशन हैं उनका आगाज़ हो चुका है, अगर आपने भी एडमिशन लेना है तो जल्दी से जीसी में आएँ और एडमिशन लें। कैमरामैन फियाज हुसैन के साथ अपनी मेज़बान अनम इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।